राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं ठीक हूँ और आप बताना कि आप कैसे हो। तो देखिए, अभी का बजे हुए हैं 6:30 शाम के, और हम कहाँ जा रहे हैं तैयार होके, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये नीलू तैयार हो रही है अभी और मैं रेडी हूँ, और हम कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाएंगे। तो देखना, रात को कौन कहाँ जाता है, देखना कहाँ जाते हैं हम। तो देखो, हम दिखाएंगे जरूर आपको। ये ब्लॉग हमारा कल आएगा, तो आप देख सकते हो हमारे ब्लॉग में कि हम कहाँ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी तैयार हो गई है, देखिए चलते हैं हम। एक फोन कॉल जा रहा है हमारे साथ में, तो देखते हैं, चलिए हम। तो दोस्तों, ये भी देखिए तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए, और ये बड़ा खुश हो रहा था कि मैं पहली बार, हम सभी ही पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक नहीं देखा, आगरा में रह कर के भी हमने कभी नहीं देखा ऐसा। तो देखिए हम चलते हैं और बताएंगे। देखिए, शाम की दियावाती कर दी हमने, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया और सब काम फ्री कर दिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। तो देखिए हम बैठ गए हैं टिर्री में, ये हमारा यहाँ टिर्री बोलते हैं इसे, टिर्री ऑटो जैसा ही होता है लेकिन टिर्री बोलते हैं, ये बैटरी से चलता है। तो आई लव माई आगरा, हम आगरा सिटी में रहते हैं। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, आप गैस कर सकते हैं, गैस मत करिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं आगे कि हम कहाँ गए थे। तो हम अभी बता रहे हैं आपको कि हम जा रहे हैं जनकपुरी देखने। और देखिए हम पैदल पैदल ही दौड़ लगा रहे हैं। तो देखिए ये जनकपुरी, गाइस हमारी जनकपुरी आ गई है, अभी नहीं आई है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। देखिए दौड़ लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि आज विदाई है सीता माता की, और सीता माता निकल गई तो पता नहीं हमें देखने को भी मिलेंगी कि नहीं, तो इस वजह से हम दौड़ लगा रहे थे जल्दी जल्दी। चलो सीता माता की विदाई तो देखते ही हैं, कम से कम हमने बारात तो नहीं देखी। तो अब हम, ये द्वार है, इसमें से प्रवेश द्वार है जनकपुरी के लिए, हम जो जनक जी का महल है वहाँ के जाने के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो ये पूरा सजा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर भीड़ बहुत थी। और जिस दिन बारात निकलती है ना, राम बारात, उस दिन तो पूरे आगरा में बहुत भीड़ हो जाती है। तो देखिए इस वजह से उस दिन नहीं ही हम आए थे और नहीं देखा था हमने, सिर्फ हम विदाई देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो देखिए हम चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे थे, यहाँ पे तो इतनी भीड़ नहीं थी, रोड था। तो अंदर जो, जब हम मेन द्वार से तो यहाँ आ गए, और जो महल के लिए द्वार है ये वो है, अब यहाँ से भीड़ शुरू हो जाएगी बहुत, क्योंकि निकलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ से। तो ये देखिए, वो ये दो हाथी बने हुए थे, तो हम कह रहे थे वीडियो बना लेते हैं हाथियों के साथ में, क्योंकि हाथी के सामने तो हम बच्चे ही लग रहे थे, वीडियो में भी नहीं आ रहे थे। तो देखो, देखिए ये हैं माता गौरा पार्वती जी, जो शिव जी की पत्नी थी, ये अकेली ही बैठी हुई हैं पहाड़ों में। और ये वहाँ का है, ये क्या बोलते हैं, अशोक वन, जो सीता माता लंका में जाके रही थी। तो ये देखिए हनुमान जी भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे पेड़ उखा के फेंक दिया था। और ये कौन सी वो राक्षसी थी, वो भी है यहाँ पर। तो ये पूरा व्यू बनाया हुआ है, ये वहाँ पे हनुमान बाबा हैं, जो अंगूठी तो छोटे से, मतलब ब्राड रूप से छोटे से बने थे, तो ऐसे ही ये वहाँ पे बनाया, पूरा अच्छा लग रहा था देखने में पूरा, मतलब वहाँ का दिया। सीता माता को अंगूठी देते हैं, उनसे वहाँ की पहचान लेते हैं, तो ऐसे ही वहाँ से पता लगाया था हनुमान बाबा ने, यहाँ से पता लगाया था अशोक वन से। तो ये देखिए हनुमान जी कितने छोटे से हैं और बड़े भी हैं, और जिन्होंने पेड़ उखाड़ा था वो भी हैं, और सीता माता जी भी हैं जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, वो हैं अशोक वाटिका बोलते हैं जिसे। ठीक है, और ये है हमारी धर्म की, मतलब हमारे धर्म में इसे बहुत बड़ा मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, विराट रामायण बोलते हैं इसे, ये विराट रामायण है, मैंने भी पहली बार देखी है, और आप भी देख लेना, दर्शन कर लेना। और ये देखो जहाँ भीड़ होती है वहाँ मेला तो ज़रूर लगता है। तो ये भोलेनाथ भी पहाड़ों में बैठे हैं, माता रानी उधर बैठी हैं और भोलेनाथ इधर बैठे हैं। तो देखिए इनके साथ तो बहुत सारे त्रिशु हैं, ये लक्ष्मी माता जी हैं, और ये कान्हा जी हैं छोटे से लड्डू गोपाल। और ये देखिए कान्हा जी की, जो मथुरा में आपको नहीं किसी ने देखी होगी कि जन्मभूमि है ना, वो इसी तरीके से, तो इसी तरीके से इनका यहाँ पर सेटअप बनाया गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और छोटे छोटे से मंदिर भी थे, बनाए थे वहाँ पर, और ये यहाँ पर भीड़ थी, वो LED वगैरह चल रही थी बहुत सारी। तो ये है
जनक महल के लिए प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार तो ऐसा ही था, मतलब भीड़ थी, प्रवेश तो उसी में भीड़ में ही करना पड़ेगा, वहाँ पे स्पेशल आपको बैठने थोड़ी मिलेगा। तो ये यहाँ पे झालरें भी बिक रही थी, मेला लगा हुआ। तो ये कमल है, ये है कमल उसका, जिसमें दूल्हा दुल्हन माला डालते हैं ना, हमारे यहाँ माला डालते हैं उसका, ये उसमें सजा दिया है। तो हम जा रहे थे, तो धीरे धीरे ही जा रहे थे, मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मुझे कुछ अच्छा लग भी रहा था नहीं लग रहा था, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला, ये आ गया हमारा जनक महल। तो देखिए कितना सुंदर जनक महल है, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस किसने जनकपुरी देखी है, और किसको उसको जनक महल अच्छा लगता है, और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा तो सिर्फ एक ही था कि मैंने नहीं आज तक नहीं देखी थी, पर आप लोगों के बहाने से मैंने भी देख लिया, आज मेरे परिवार ने भी देख लिया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था हमें कि जनकपुरी ऐसे सजाई जाती है खुद, क्योंकि हमने राम जी की बारात निकली थी उस दिन, तो हमने देखा ही नहीं। अब विदाई होगी कम से कम, वो तो देख लेंगे, पर इस वीडियो में आपको विदाई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती इस वजह से। और देखिए यहाँ पर सांस्कृत तरीके से बहुत ही अच्छे फंक्शन वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। देखिए ये भी एक यूट्यूबर ही हैं, मैं इनका नाम नहीं जानती, क्योंकि वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे कि ये यूट्यूब वीडियो पर ही हमने देखा था इनको, तो इनवाइट किया था, इनको बुलाया था, क्योंकि यहाँ वो बोलते हैं ना जो धार्मिक सांस्कृतिक वो होते हैं जो प्रोग्राम, वो ही होते हैं ये। और रात में भी रामलीलाएँ दिखाई जाती हैं, राम की लीलाएँ दिखाई जाती हैं यहाँ पर। तो देखो कितना सुंदर जनक महल है। तो यहाँ पे सीता माता भी आई थी और हैं, अंदर होंगी तो वो विदाई होगी उनकी, हो सकता है, पर आज तो हम विदाई देखने आए थे, पर देखी थी हमने, पर इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाएंगे, वो अगली वीडियो में देखना आप सभी कि विदाई हो रही थी उनकी, और अच्छी लग रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, पर भीड़ बहुत थी, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कोई बैठ के भी देख ले यहाँ, कोई यहाँ के जो अंदर के लोग थे वो ही बैठ के देख रहे थे, बस कर रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे अंदर, वो ही देख पा रहे थे। पर वहाँ आगे बाउंडेशन था कि हम आगे नहीं जा सकते थे, सिर्फ रोड पर खड़े है कि खड़े होकर ही भीड़ लगा करके ही देख सकते थे। वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था वहाँ पर, इसी वजह से कैमरे की तरफ ध्यान मत देना, देखो कैमरा भी बहुत ही हिल रहा था, क्योंकि धक्का मुक्की इतनी हो रही थी कि एक कदम रखने की भी जगह नहीं थी। तो ये हमने जनक महल देखा, और यहाँ पर जो सांस्कृतिक तरीके से प्रोग्राम हो रहे थे, एक थी दो हो गई देखो, तो ये भी देखे थे हमने, और थोड़ी देर ही देखे थे हमने, बस हमें देखना था इतना ही, क्योंकि आपको दिखाना था कि हमारे आगरा में जनकपुरी सजाई जाती है, जनक महल बनाया जाता है, और राम जी की बारात निकाली जाती है, और राम जी की विदाई की जाती है, राम जी का विवाह किया जाता है, मतलब कहने का मेरा ये है। तो देखिए कितना सुंदर था, इन्होंने गणेश जी की स्तुति पर और राम स्तुति पर और भोलेनाथ की स्तुति पर इन्होंने नृत्य किया था, ठीक है। मेरी कोई बोलने में गलती हो तो गाइस अनदेखा कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करना नहीं आती है, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, डांस देखिए कितना बढ़िया करा इन्होंने, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मैं आवाज़ बैकग्राउंड वैसी आवाज़ नहीं दे सकती थी रियल, क्योंकि शोर शराबा तो बहुत था, बहुत शोर हो रहा था, तो हमारी आवाज़ मालूम भी नहीं पड़ती आपको, और उधर की जो साउंड बज रहा था, तो मैं अगर वीडियो पर डालती तो कॉपीराइट आया। तो देखिए दोस्तों अगली वीडियो आ गई, वीडियो में देखना, ठीक।